बिहार हम जीत लेंगे, उनको जिस तरह हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में चुनौती दिया और 3 में 2 सीटों पर हराने का काम किया, उसी तरह यह पूरी तैयारी है कि 2024 के चुनाव में एक एक सीट पर माइन्यूटली तय करके, एक एक चीजों को तय करके 40 की 40 सीट जीतना है बिहार का, इसकी तैयारी कर रहा हूं। सर, कल ललन सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा में जो शब्द इस्तेमाल किए, जिस तरीके से जो कहा बीजेपी के सांसदों को कि बैठिए बैठिए हटिए, क्या कहिएगा उसके? सर, जो साहब देखिए, लोकतंत्र है, पूरा दुनिया देख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं और किस तरह का बोली बोल रहे हैं। ये पूरी तरह हिंदुस्तान ने देखा कि लोकसभा जो सबसे बड़ा संसद भवन है हमारा, जो लोकतंत्र का मंदिर है, किस तरह एक सीनियर मेंबर के साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बर्ताव किया, ये पूरी तरह जग जाहिर है। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था का पूरी तरह हम विरोध करते हैं। अहंकार की बात बोल रहे हैं, ये पूरी तरह अहंकार है। और बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार जी अहंकारी हो गए, इसलिए उनके अहंकार से सभी लोग, उनके पार्टी के नेता लोग भी अहंकारी हो गए। सर, कल अमित शाह ने फिर से कहा है कि इंडिया अलायंस बनने के बावजूद भी मोदी तीसरी बार फुल मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम तीसरी बार लोकसभा में जीत कर आएंगे और भारत की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।